नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिकेट गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच, उसके बारे में ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट टीम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आपका एक एक लाइक कितना इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए यहां चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टेटस के बारे में। आप देख सकते हो अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने वाला, जो इसका नाम पहले फिरोज शाह कोटला मैदान था, अब उसका अरुण जेटली है। बात करें दोस्तों यहां से टोटल फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में, तो 157, वहीं सेकंड इनिंग्स एवरेज आपके 143 देखने को मिल जाए। इस स्टेडियम की खास बात है दोस्तों कि इस पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद है। जी हां दोस्तों, स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद है, तो आप स्पिनर्स पिक करने की कोशिश करना। वही स्टेडियम है दोस्तों जिसमें अनिल कुंबले ने 10 विकेट चटकाए थे। जी हाँ दोस्तों, एक इनिंग्स में 10 विकेट चटकाए थे अनिल कुंबले ने, वही स्टेडियम है। चलिए बात करते हैं यहाँ से हाइएस्ट टोटल के बारे में। 202 रन बना है, वहीं लोएस्ट टोटल आप 120 रन यहाँ पर बना है। हाइएस्ट चेस्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो 159 रन बना है, वहीं लोएस्ट डिफेंड के बारे में आप देख सकते हो 142 रन यहाँ पर रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ से पिच थोड़ा सा बल्लेबाजी को भी सपोर्ट कर सकती है और स्पिनर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट करेगी, जैसा कि हमने आईपीएल में भी देखा है दोस्तों, स्पिनर्स के लिए सपोर्ट करती हुई नजर आती है। ड्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर साबित हो सकती है। सेकेंड इनिंग्स में आपके लिए गेंद ग्रिप करने में थोड़ी सी परेशानी होगी दोस्तों, हालांकि दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण है, उस वजह से ड्यू भी इतनी नहीं पड़ने वाली। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कुछ टीम न्यूज और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यहाँ पर रोहित शर्मा शिखर धवन के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत और शिवम दुबे इनको फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे। एक डाउट रहेगा, शिवम यहाँ से संजू सैमसन को मौका मिलेगा या केएल राहुल का, वो दोस्तों न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके लिए मैं काफी सारी यहाँ से न्यूज शेयर करता रहता हूँ, इस पर टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ से कुणाल पांड्या और दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर एक शानदार दोस्तों गेंदबाज है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर ए आ जाएंगे। भाई कुणाल पांड्या आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है और दोस्तों यहाँ से आपके लिए युजवेंद्र चहल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ी सी उनका फिटनेस का इशू आया था, लेकिन अभी दोस्तों जहां तक न्यूज आ रही है वो उनके फिट होने की आ रही है। यहाँ पर दीपक चाहर, राहुल चाह यहाँ से दीपक चाहर और दोस्तों आपके लिए बात बता दूं यहाँ से शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद में से एक कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा। भाई बांग्लादेश के बारे में बात की जाए दोस्तों, इनके जो कैप्टन थे साकिब अल हसन, वो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिक्सिंग के मामले में अभी इन पर जांच चल रही है, फिलहाल की स्थिति में एक साल के लिए वो बाहर हो गए हैं। बात करें आपके लिए सौम्या सरकार और लिटिल दास ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद मिथुन आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, मिस्तुबुज रहीम अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, गेंदबाज काफ़ी शानदार है दोस्तों, बल्लेबाज हैं, आपके लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर भी ये आ जाएंगे। मिस्तुबुज रहमान आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों अल अमीन हुसैन आपके लिए ठीक ठाक ये ऑप्शन साबित हो जाते हैं। यदि कोई भी चेंजेस होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच 8 मैच खेल गए, इनमें से 8 के 8 इंडिया ने विन करके दिए, मतलब एक तरफा इंडिया विन करके यहाँ से मैच देने वाली है, मेरा तो मानना यही है। लास्ट सीजन में निदहास ट्रॉफी में एक मैच दिखा था दोस्तों, वो उसमें बांग्लादेश जीतते दिख रही थी, लेकिन वो भी दिनेश कार्तिक ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। चलिए बात करते हैं यहाँ से इंडिया की संभावित 11 के बारे में। रोहित शर्मा शिखर धवन आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों ही बेस्ट दोस्तों बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। रोहित शर्मा 99 दोस्तों T20 मैच है इसका और 7 रन बनाकर वर्ल्ड में सबसे अधिक रन T20 रन बनाने वाले प्लेयर ये बन जाएंगे। भाई शिखर धवन दोस्तों शानदार फॉर्म है इनका चल रहा है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन और केएल राहुल में से कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा, जो भी न्यूज आएगी दोस्तों वो आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी टॉस के बाद, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। बात करें यहाँ से सुरेश अय्यर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ऋषभ पंत आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, शिवम दुबे आपके लिए काफी शानदार ऑप्शन है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। कुणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, यहाँ युजवेंद्र चहल या राहुल चहर में से कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा। यदि युजवेंद्र चहल खेलते हैं तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी शानदार ये गेंदबाज साबित हो जाएंगे, क्योंकि इनका दोस्तों वैसे भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और पिच थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए मदद भी करेगी, तो और आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। उसके अलावा दीपक चाहर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ से शार्दुल ठाकुर और खलील अहमद आपके लिए दोनों ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं या दोस्तों इनमें से कोई खेलता हुआ नजर आ सकता है। जो भी न्यूज़ आएगी दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की संभावित 11 के बारे में बात करें। लिटन दास आपके लिए सौम्य सरकार छत ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से नईम या दोस्तों मोहम्मद मिथुन में से कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस मोहम्मद मिथुन के लग रहे हैं, तो दोस्तों मिथुन आपके लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मुस्तफिज रहीम जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। मोहम्मदुल्ला 1 से 2 ओवर भी करते हुए नजर आ जाएंगे और आपके लिए नंबर 5 पर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हैं। मुश्देक हुसैन है दोस्तों, आतिफ अलीम है और दोस्तों यहाँ से अरफात सनी है
और दोस्तों मुस्तफ़ुज़ रहमान अल अमीन है, और दोस्तों इन दोनों में अबू हैदर है तजुल इस्लाम में से कोई खिलतो नजर आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ट्रेंडिंग एप्लीकेशन चल रही है दोस्तों बल्लेबाजी, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है दोस्तों। इस जैसे ही डाउनलोड करके आप Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 आपके लिए कोड डालना हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा, ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, युवराज सिंह इसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं, और दोस्तों आपके लिए काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ से उपलब्ध। चर्च जैसे दोस्तों आप यहाँ देख क्लासिक कॉन्टेस्ट में आप इसमें 11 बल्लेबाज खिला सकते हो, मतलब 11 प्लेयर खिला सकते हो। बैटिंग में आप यहां से 5 बल्लेबाज खिला सकते हो, और बॉलिंग में आप 5 बॉलर खिला सकते हो। इनकी सबकी टीम आपके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा बॉलिंग और बैटिंग की। फिलहाल की स्थिति में आपके लिए यहां से जो क्लासिक की टीम है उसकी टीम का डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं। आप इसकी टीम का डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। रहीम को मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्राई किया है, रोहित शर्मा है दोस्तों, मोहम्मद मिथुन हैं, और उसके अलावा शिखर धवन, सौम्या सरकार को मैंने टीम में ट्राई किया, और श्रेयस अय्यर को। यदि आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। वॉशिंगटन सुंदर और दोस्तों कुणाल पांड्या को मैंने यहां से ऑलराउंडर सेक्शन में टीम में ट्राई किया है, युजवेंद्र चहल, मुस्तफ़ुज़ुर रहमान और दोस्तों राहुल चार को मैंने बॉलिंग सेक्शन में टीम में ट्राई किया है। यदि कोई भी चेंजेस करूंगा दोस्तों तो टेलीग्राम पर डेफिनेटली अपडेट मैं कर दूंगा, लेकिन आपने यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123, जी हां दोस्तों Raj123 कोड डालना है, जिससे आपके लिए ₹50 कैश बोनस आ जाएगा, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहां से हमारे ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन की, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आपका एक एक लाइक काफी मोटिव करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करें यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन, रहीम आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, पंत भी आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, और लिटन दास आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आपके लिए तीनों ही शानदार ऑप्शन यहां से हो जाते हैं। और उसके अलावा अभी संजू सैमसन के बारे में कोई कंफर्म नहीं है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, यदि खेलते हैं तो यहां से चारों के चार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, आप चाहो इन दो को टीम में ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं रहीम को, रिटन दास को टीम में ट्राई कर रहा हूं, मैं यहां से ऋषभ पंत को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, हालांकि T20 बहुत शानदार प्लेयर है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, और दोस्तों आपके लिए ग्रेन लीग की बहुत शानदार चॉइस हो जाती है, ग्रेन लीग में आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और संजू सैमसन दोस्तों यदि खेलते हैं तो इनके बारे में मैं आपके लिए बता दूंगा। चलिए बात करते हैं यहां से बल्लेबाजी सेक्शन की, बल्लेबाजी सेक्शन की बात करें रोहित शर्मा को डेफिनेटली ट्राई करूंगा, और शिखर धवन को, इन दोनों को मैं बिल्कुल दोस्तों यहां से ट्राई करने वाला हूं, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई चेंजेस कर सकते हो। अब तमीम इकबाल दोस्तों बांग्लादेश की टीम की ओर से सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, यदि आप इन्हें टीम में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं फिलहाल की स्थिति में अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर हैं हिट और मिस वाले। जी हां दोस्तों इंडिया के खिलाफ हालांकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस का नहीं रहता है, आप चाहो टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। यहां से राहुल के बारे में मेरे पास अभी कोई कंफर्म न्यूज है नहीं, तो राहुल को अभी मैं अवॉइड कर रहा हूं। उसके अलावा महमूदुल्लाह को मैं टीम में ट्राई करूंगा, क्योंकि नंबर 4-5 बार बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, उसके अलावा 1-2 ओवर या 2-3 ओवर, मतलब 1-3 ओवर तक फेंक कर देंगे, पूरे 4 ओवर नहीं फेंकेंगे, तो मैं यहां से बिल्कुल इन्हें डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर दोस्तों इनका जैसा कि आपको पता होगा होम ग्राउंड है, श्रेयस अय्यर और दोस्तों यहां से शिखर धवन का दिल्ली की ओर से खेलते हैं, तो दिल्ली इनका होम ग्राउंड है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पिच पर इन्हें खेलने का, इस वजह से मैं इन दोनों को यहां से टीम में ट्राई करने वाला हूं। उसके अलावा बात करें आप यहां से ट्राई कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली यहां से इन दोनों को टीम में ट्राई करने वाला हूं। उसके अलावा मनीष पांडे का कंफर्म नहीं, यहां से सौम्या सरकार, ये भी आपके लिए दोस्तों 1-2 ओवर या 3 ओवर फेंक कर देने वाले हैं, और बैटिंग करने के लिए टॉप ऑर्डर में आएंगे, मतलब ओपनिंग करने के लिए आएंगे, तो इन्हें टीम में ट्राई कर रहा हूं। आप चाहो तो दोस्तों अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो, मेरा बिल्कुल कोई यहां से फोर्स आपके लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों साकिब अल हसन आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जैसा कि मैंने आपके लिए बताई दिया, तो इन्हें टीम में ट्राई नहीं करेंगे। उसके अलावा कुणाल पांड्या आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन पूरे ओवर फेंकते हुए नजर नहीं आएंगे। मैं आपके लिए एक सिनेरियो दिखा देता हूं, तो आप यहां से एक सिनेरियो देख सकते हो दोस्तों, यहां से 1-2-3-4 चार गेंदबाज दोस्तों बिल्कुल फेंक रहने वाले हैं, मतलब 4-4 ओवर फेंक कर देंगे। उसके अलावा शुभम दुबे और कुणाल पांड्या ये 2-2 ओवर फेंक कर देने वाले हैं, पूरे ओवर 4-4 ओवर नहीं फेंकेंगे दोस्तों, इस वजह से मैं यहां से दोस्तों एक ही ऑलराउंडर के साथ जाना पसंद करूंगा। फिलहाल की स्थिति में कुणाल पांड्या को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, यदि आप लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हो, या शुभम दुबे या कुणाल पांड्या में से एक किसी को आप ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल की स्थिति में वाशिंगटन सुंदर के साथ जा रहा हूं, आपके लिए तीन ऑप्शन है, कुणाल पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और शुभम दुबे, आप इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, या दोस्तों एक बल्लेबाज यहां से कम करके आप इजीली ट्राई दो को ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहां से दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों जो टॉप 3 के ऑप्शन है, युजवेंद्र चहल, मुस्तफ़ुज़ुर रहमान और दीपक चार, इन तीनों को मैं टीम में ट्राई कर रहा हूं। अब आपके लिए यहां से ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, खलील अहमद शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शन है, आतिफ हुसैन आपके लिए इनकी ओर से शानदार ऑप्शन है, अबू हैदर है दोस्तों, राहुल चार का कोई कन्फर्म नहीं है, जो भी कन्फर्म होगा
दोस्तों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन में टेलीग्राम से जुड़ना, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों इतना अच्छा यहाँ से ऑप्शन नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों रोहित शर्मा और यहाँ से आपके लिए शिखर धवन, दोनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। आप इन दोनों को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मेरी यहाँ थर्ड चॉइस श्रेयस अय्यर, क्योंकि इन्हें इस विकेट पर खेलने का काफ़ी अनुभव है, दिल्ली के कैप्टन भी थे दोस्तों, उस लिहाज से भी काफ़ी अनुभव है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप किसी और को ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ से ऑप्शन हो जाता है, यहाँ से रहीम और सौम्या सरकार, ये दोनों शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों। आप इन दोनों को भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो कुछ डिफरेंट करने के लिए। ग्रैंड लीग में भी अच्छा ऑप्शन ये है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।